नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। 20 मई 2020 बड़ा बुधवार कर रही है उपाय। बुधवार यानी कि गणेश जी का वार। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो साबुत लौंग का एक ऐसा शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय के बारे में बताऊंगी। अगर ये आपने कल की रात को कर लिया तो दोस्तों आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों यदि आपको गणेश जी की विशेष कृपा चाहिए तो दोस्तों बुधवार के दिन गणेश जी को जरूर याद करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में हम भगवान की आराधना करने से चूक जाते हैं और इसी वजह से कभी न कभी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों उनमें से बहुत सारी परेशानियां अपने घर संबंधी, पैसों संबंधी, शादी संबंधी, ऐसे ही कुछ बीमारियां और परेशानियां होती हैं। आपको शास्त्रों द्वारा दिए गए कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों को कर आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कल के उपाय के बारे में। आपको दो साबुत लौंग लेने होंगे। लौंग पूरी साबुत और उसके ऊपर का फूल भी बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों साबुत लौंग लेकर आपको अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है। यह आपके सामने गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर हो तो दोस्तों बहुत ही शुभ होगा। तो इसके बाद तस्वीर के आगे आपको इन दोनों लौंग को रख देना है। तो दोस्तों वहीं पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है। दोस्तों यदि आपके घर में शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हो। दोस्तों दीपक जलाने के बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस गणेश जी के महामंत्र का आपको 51 बारी जाप करना होगा। दोस्तों जाप करते वक्त आपकी आंखें बिल्कुल बंद होनी चाहिए और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जाप पूरा होने के बाद आपको उन दोनों लौंग को वहां से उठा लेना है। दोस्तों अपनी दाहिने हाथ से यानी कि अपने राइट हैंड से आपको यह दोनों लौंग उठाने होंगे और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो परेशानियां आपको बोल देनी है। दोस्तों ध्यान रहे आपको परेशानियां बोलनी है, इच्छाएं नहीं बोलनी है। दोस्तों इसके बाद आपको उस लौंग को अपने दाहिने हाथ में ही रख कर उस दिए के ऊपर से 3 बारी उल्टा घुमाना है। दोस्तों उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा घुमाने के बाद आपको वहां से उठना होगा और आप जिस भी कमरे में सोते हो उस कमरे में आपको जाना होगा और दोस्तों अपने तकिए के नीचे आपको इन दोनों लौंग को रख देना है और फिर आपको सो जाना है। दोस्तों रात में अगर आपके ऊपर कोई बुरी नजर होगी तो आप बच जाएंगे और ये सारी चीजें लौंग के अंदर चली जाएंगी। दोस्तों अगले दिन उठने के बाद आप स्नान और पूजा के बाद इन दोनों लौंग को ले जाकर किसी भी चौराहे पर फेंक कर चुपचाप अपने घर आना होगा। दोस्तों बीच रास्ते में आपको किसी के सामने बात नहीं करनी होगी और आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखना होगा। दोस्तों इस उपाय को आपको कल रात 8 बजे के बाद करना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे करना पसंद करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।